मनुष्य जीवन का उचित है। सबई पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधो खजे, भगवान का नाम है अधो खज। ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधो खज अपराधिक, सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, अर्थ नहीं है वो प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं है। हमारा प्रकृति में हो कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं तो उसका मतलब वो क्या नहीं है, नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, फिर तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदय से विलोकन, भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो, खाली आंख बनाओ। वो आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मत तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, बाकी क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहे हैं तो जैसा भगवान सिखा रहा है रसो हम अब सुकते हैं, ये जो पानी पीते हो ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो, पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो, देखो जी ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास्मी शशिशूर्ज, इस प्रकार शास्त्र ने देखा, भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वपाधि विनिर्मत, अगर ये देखते हो पानी को कि हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, इसी प्रकार भगवत भक्ति भगवत अर्थात भगवत प्रेम सब समय भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए, वो अनेक प्रकार सुविधा ले चाहे एक ले, एक ले। जैसा इधर है इधर श्रवण भी होता है कीर्तन भी होता है भगवान का अर्चन भी होता है दास भी होता है सत्य भी होता है सर्वात्म सफलम इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण, अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राप्य वस्तु है जो नवदा का भीतर नौ करो आठ करो सात करो छह करो पांच करो आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुनता ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा क्यों, ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाए कि कम से कम इधर आए कुछ सुने, वो सुनते सुनते हो जाए। जैसा परीक्षित मारा श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत भैया सखीकीत, जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पर, तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया वो तुमको मरने पर, बड़ा अन्याय किया था, उसी से कलयुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए, तो सब बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े सब देवताओं को तथा पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए,
तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब कान तक करेंगे मैं उसको थोड़ा देख गया हूं। उनके पिताजी व्यास देवी मौजूद थे, तो अनेक प्रकार ऋषि नासो ऋषि नासो मुनि जस मतम न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा कि अब अंतिम समय में हमको क्या करना चाहिए। तो कोई कहे आप योग करिए, कोई कहे ध्यान कीजिए, कोई कहे आप ध्यान कीजिए, कोई कहे कर्म कीजिए, कर्मकांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया, महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही थी। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठकर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण परीक्षित परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन कर, ये कीर्तन ये जो हम अभी आप लोगों को सुना रहा हूं ये भी कीर्तन। कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन होता, कीर्तन कीर्ति भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो सर्वनाम कीर्तन विष्णु पर और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं वो श्रवण नहीं, श्रवणाम कीर्तनम विष्णु इसमें काम बने। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 वर्ष से पीस स्थापन करने के लिए, वो श्रवण से कुछ काम नहीं थे, वो चाहे हजारों वर्ष करते थे, ये श्रवण से काम। श्रवणाम कीर्तनम विष्णु ये शास्त्र का उद्देश्य, इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए, इसका भी अब आदमी निर्वापन हो गया, ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन हो गया। तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य का विचार है, इसको छोड़ ना दीजिए, इसको ग्रहण कीजिए, ये सब निर्भूल विचार है। साधारण व्यक्ति का चार दोष होता है, भ्रम प्रमाद करुणापटक अभिप्रलिप्त, और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। इसका क्यों, ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है जिसका चार दोष नहीं है, भ्रम प्रमाद विप्रविष्ठा करना, इसलिए शास्त्र उसको माना जाता। देखिए भगवत गीता में भगवत श्रीमद भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा क्योंकि तेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद भागवत को रचना की गई थी और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ, इसलिए भागवत में भगवान का अवतार जहां वर्णन है बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता भविष्यति आगे जाकर के हो, इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ तीन काल को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सबको जानते समो भगवान खुदा है जो मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन तुम क्यों इतना शोक करते हो, तुम हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं ये पहले भी थे अभी भी है और आगे भी रहे, इसका नाम है भूत भविष्य वर्तमान समस्त। जो इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए, और नहीं तो अंधा जथा अंधेर बनी, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए।
हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे हरे हरे।